हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी मंडियों में भाव क्या है सोयाबीन का। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आज है 17 जनवरी 2020 और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यही कि सोयाबीन का भाव क्या है। तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए क्योंकि दोस्तों बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपका भी मंडी अगर होगा तो दोस्तों आप लोग इस जान नहीं पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का लाभ हमारे किसान भाइयों उठा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानेंगे कौन सी मंडी में तेज भाव था और कौन सी मंडी में कम भाव था। तो दोस्तों बात करूँ खचोर मंडी की, तो खचोर मंडी में भी दोस्तों 3799 रुपये से लेकर दोस्तों 4316 रुपये देखने को मिला। और दोस्तों आवक की बात की है तो दोस्तों 83 टन की रही है। वहीं पर दोस्तों बात करूँगा धार मंडी की, धार मंडी में दोस्तों 2680 रुपये से लेकर 4580 रुपये देखने को मिला है। आवक दोस्तों 176 टन की रही है। सिंधौर मंडी की बात करूँ तो सिंधौर मंडी में 3480 रुपये से लेकर दोस्तों 4374 रुपये देखने को मिला है। आवक दोस्तों 675 कुंटल की रही है। छिंदवाड़ा मंडी की बात करें, छिंदवाड़ा मंडी में दोस्तों 3700 रुपये से लेकर दोस्तों 4200 रुपये देखने को मिली है। आवक की बात किया जाए तो दोस्तों 30 टन की रही है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूंगा बड़नगर मंडी की, तो बड़नगर मंडी में भी 3085 रुपये से लेकर दोस्तों 4500 रुपये देखने को मिला है। आवक दोस्तों 132 टन की रही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा खातेगांव मंडी की, तो खातेगांव मंडी में 3500 रुपये से लेकर दोस्तों 4200 रुपये का भाव था। आवक दोस्तों 120 टन की रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में यहाँ पे बात करेंगे आगर मंडी की, तो आगर मंडी में भी दोस्तों 2500 रुपये से लेके 4255 रुपये देखने को मिला है। और आवक दोस्तों 300 टन की रही है। मक्सी मंडी की बात करूँ तो मक्सी मंडी में भी 4000 से लेकर 4900 रुपये भाव था। दोस्तों आज सबसे ज़्यादा हाइस्ट रेट है 4900 रुपये। और आवक की बात की जाए तो 1 टन की ही रहे हैं। सिरोज मंडी की बात करें तो सिरोज मंडी में दोस्तों 3500 से लेकर 4380 रुपये देखने को मिली है। आवक दोस्तों 38.3 टन की रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करूँगा आस्था मंडी की, तो आस्था मंडी में भी दोस्तों 2000 से लेकर 4700 का भाव था दोस्तों, जो कि ये दूसरे नंबर का भाव है दोस्तों। 51.9 टन की आवक थी। खिड़किया मंडी की बात करें, खिड़किया मंडी में 2789 रुपये से लेकर दोस्तों 4141 रुपये का भाव था। आवक दोस्तों 34.4 टन की रही है। इटारसी मंडी की बात करें तो इटारसी मंडी में 3502 रुपये से लेकर दोस्तों 3600 रुपये का भाव था। आवक दोस्तों 28 टन की रही है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे छतरपुर मंडी की, तो छतरपुर मंडी में दोस्तों 3800 रुपये से लेकर दोस्तों 4200 रुपये का भाव था। आवक दोस्तों 10 टन की रही है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे जौबत मंडी की, तो जौबत मंडी में दोस्तों यहाँ पर जौबत मंडी की बात करें तो जौबत मंडी में 3900 रुपये से लेकर दोस्तों 4000 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की बात की जाए तो 100 टन की रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में बात करूँगा हरसूद मंडी की, तो हरसूद मंडी में 1787 रुपये से लेकर 4280 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की बात किया जाए तो दोस्तों 198 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूँगा गोरखपुर मंडी की, तो गोरखपुर मंडी में भी दोस्तों 3600 से लेकर दोस्तों 3900 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात की जाए तो 391 टन की रही है दोस्तों। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों हरदा मंडी की, तो हरदा मंडी में 2201 रुपये से लेकर 4070 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 32 टन की रही है। राघोगढ़ मंडी की बात करूँ तो 4170 रुपये से लेकर 4210 रुपये देखने को मिली है। आवक दोस्तों 50 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूँगा ताल मंडी की, तो ताल मंडी में भी दोस्तों 3401 रुपये से लेकर दोस्तों 4290 रुपये देखने को मिली है। अगर दोस्तों आवक की बात किया जाए तो दोस्तों 254 टन की रही है। रातगढ़ मंडी की बात करूँ तो रातगढ़ मंडी में 3900 से लेकर दोस्तों 4250 रुपये देखने को मिली है। आवक दोस्तों 238 टन की रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे खरवन मंडी की, तो खरवन मंडी में 3750 रुपये से लेकर दोस्तों 4440 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 600 टन की रही है। तिरमणी मंडी की बात करो, तिरमणी मंडी में दोस्तों 3001 रुपये से लेकर 4241 रुपये का भाव था। आवक दोस्तों 298 कुंटल की रही है। नेक्स्ट में यहाँ पर बात करेंगे बैतूल मंडी की, तो बैतूल मंडी में 3700 रुपये से लेकर दोस्तों 4200 रुपये का एक रुपये भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 285 टन की रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में यहाँ पर बात करेंगे शाजापुर मंडी की, तो शाजापुर मंडी में 1300 से लेकर 4300 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 5 टन की रही है। नेक्स्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे मुल्ताई मंडी की, तो मुल्ताई मंडी में भी दोस्तों 3500 से लेकर दोस्तों 4010 रुपये देखने को मिली है। आवक दोस्तों 83 टन की रही है। शेरपुर कला मंडी की बात करो, तो वहाँ पर 3800 से लेकर दोस्तों 4260 रुपये देखने को मिली है। आवक दोस्तों 32 टन की रही है। नेक्स्ट में बात करूँगा सलाना मंडी की, तो सलाना मंडी में 3390 रुपये से लेकर 4326 रुपये देखने को मिली है। आवक दोस्तों 13.7 टन की रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे बिरछा मंडी की, तो बिरछा मंडी में दोस्तों 3980 रुपये देखने को मिली है। और दोस्तों आवक 3900 अधिकतम पर 4700 रुपये देखने को मिली है। आवक दोस्तों 0.1 टन की रही है। गुना मंडी की बात करो, तो गुना मंडी 4100 से लेकर दोस्तों 4200 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 50 टन की रही है।
तो दोस्तों ये थी आज की टोटल मध्य प्रदेश की मंडी, जो कुछ नए मंडियों में कुछ पुराने मंडियों का रेट था दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमारे वेबसाइट अभी यहाँ से वेबसाइट पर काम चल रहा है दोस्तों, तो वेबसाइट का जल्दी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो वहाँ पर भी अधिक जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।